दोस्तों, हर एक इंसान ये जरूर जानना चाहेगा कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, लेकिन किसी भी इंसान के लिए ये बता पाना कि आने वाला भविष्य कैसा है यह पूरी तरह संभव नहीं है। लेकिन आज मैं आपको वैज्ञानिकों की सोच के अनुसार यह बताऊंगा कि आज से करीब 32 साल बाद हमारी दुनिया कैसी और हमारे भविष्य में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2050 आते आते हमारी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा, करीबन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। और आज की बात करें तो आज हमारी दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी और इंडिया के ज़्यादातर शहर स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे, जो बहुत ही एडवांस होंगे और टेक्नोलॉजी से भरे होंगे, जिसे हमारा और हमारे घर से डायरेक्ट कंट्रोल होगा और हम अपने मोबाइल की मदद से अपने घर के सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। 2050 में कैंसर से मरने वालों की संख्या करीबन 90% तक कम हो जाएगी और 80 से कम वर्ष के लोग यानी कोई भी इंसान कैंसर से नहीं मरेगा। 2050 तक लगभग 50% नौकरियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक रोबोट का इस्तेमाल करना आम बात हो जाएगा और इंसानों के ज़्यादातर काम रोबोट्स करने लगेंगे। 2050 में कोई भी जॉब आज के मुकाबले बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 2050 में हम बहुत ही एडवांस हो जाएंगे और हम कोई भी काम इंटरनेट से पूरा कर चुके होंगे और तब ज़्यादातर काम इंटरनेट पर ही किए जाएंगे। 2050 तक आज से कई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी और हम इंसान कुछ नए और अनोखे गैजेट्स यूज कर रहे होंगे, जो हमें वर्चुअल रियलिटी का एहसास कराएंगे और हम अपने घर पर ही आज से कई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बना चुके होंगे। दोस्तों, फ्यूचर में हमारे लिए फ्लाइंग कार एक आम कार के रूप में दिखाई देगी, जो लगभग 50% लोग यूज कर रहे होंगे, और फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार भी देखने को मिलेगी, जिसे बनाने में हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इन कारों के आ जाने से एक्सीडेंट ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कारें रोड पर लगे सेंसर पर डिपेंड करेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी भविष्य की ये टेक्नोलॉजी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाता हूँ जो आपको कुछ नया बताए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।